नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम सभा में। और आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि इंडिया में कौन कौन से माउंटेन पासेज हैं और वो किस स्टेट में है। तो आपको केवल स्टेट का नाम पता होना चाहिए ताकि आप किसी भी अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे किसी रेलवे बैंक एग्जाम की या फिर SSC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको 1D टाइप जो क्वेश्चन होते हैं वो दिखाई देंगे। तो इसीलिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी माउंटेन पासेज हैं और वो किस स्टेट में है। तो पहला है आपका असीरगढ़ पास, ये आपका मध्य प्रदेश में है। फिर अगला है आपका ऑडेन कोल, ऑडेन कोल भी एक पास है जो आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। फिर आपका जो तीसरा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है बनिहाल पास। बनिहाल पास जो है जम्मू एंड कश्मीर में है, और ये जो आपका है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान में रखना है क्योंकि बनिहाल पास को काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। फिर आपका है बारालच्छा पास, बारालच्छा जो पास है आपका वो हिमाचल प्रदेश में है। और उसके बाद जो आपका है बिला फोंड ला, ला मतलब होता है दर्रा, हिंदी में ला का मतलब होता है दर्रा। तो बिला फोंड ला, जहां भी आपको ला देखने को मिले उसका मतलब दर्रा होगा। तो बिला फोंड ला जो है आपका जम्मू एंड कश्मीर में है, और ये जो आपका जो सियाचिन ग्लेशियर वाला पार्ट है वहां पे देखने को मिलेगा। फिर अगला है आपका बोम डी ला, ला मतलब दर्रा। तो बोम डी ला जो है आपका वो अरुणाचल प्रदेश में है और काफी इंपॉर्टेंट है। फिर आपका है चांगला, चांगला जो है आपका पास है वो लद्दाख में है, लद्दाख अब एक अलग यूनियन टेरिटरी है। फिर अगला है आपका चांसाल पास, चांसाल पास जो है आपका हिमाचल प्रदेश में है। अगला है आपका देबसा पास, देबसा जो पास है वो हिमाचल प्रदेश में है। तो हिमाचल प्रदेश में आपको काफी सारे पास देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे माउंटेन रेंजेस भी ज्यादा हैं। और इसी तरह आपको जो है उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में बहुत सारे पासेस देखने को मिलेंगे क्योंकि ज्यादातर जो है जो यहाँ पे हिमालयस का जो एक्सपेंशन है उसकी वजह से यहाँ पे पासेस काफी ज्यादा हैं। अगला है आपका देहरा कंपास, और ये लद्दाख में है। फिर आपका है डीफू पास, डीफू पास जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में। फिर आपका है डोंगखाला पास, तो डोंगखाला जो है आपका है वो सिक्किम में है। फिर आपका है फोटुला, फोटुला जो है आपका लद्दाख में है। अगला है आपका गोयछाला, गोयछाला जो है सिक्किम में है। तो आपको सिक्किम वाले जरूर ध्यान में रखने हैं क्योंकि इंडिया और चाइना का बॉर्डर जो है सिक्किम में लगता है, तो काफी इंपॉर्टेंट ये पासेज हैं। फिर आपका है जियोंगला, जियोंगला जो है जम्मू एंड कश्मीर का जो सियाचिन ग्लेशियर का पार्ट है वहां पे देखने को मिलेगा। अगला जो आपका राजस्थान में है उसका नाम है हल्दी घाटी पास, तो ये हल्दी घाटी पास जो है अरावली का पार्ट है। और फिर आपका है इंद्राहर पास, ये हिमाचल प्रदेश में। और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा जलोरी पास, जलोरी पास जो है आपका वो भी हिमाचल प्रदेश में है। अगला है आपका जेलेपला, जेलेपला आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका नाम आपको याद रखना है, तो ये आपका जो है सिक्किम में है। फिर आपका है कालिंदी पास, कालिंदी पास आपका उत्तराखंड में। उसके बाद आपका जो काराकोरम पास है वो लद्दाख में है, ये काराकोरम माउंटेन रेंजेस का पार्ट है। फिर आपका खारदुंगला, ये भी जो है इंपॉर्टेंट है और ये भी लद्दाख में आपको देखने को मिलेगा। अगला है आपका कोंगका पास, कोंगका पास कहाँ पे है, लद्दाख में है। तो लद्दाख में आपको यहाँ पे लगातार तीन पासेस देखने को मिलेंगे। उसके बाद है आपका कुंजुम पास, ये हिमाचल प्रदेश में है। और फिर आपका है लाम खगा पास, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। तो ये नाम आपके लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैं आपको बताऊंगा वो आपको ध्यान में रखना है बहुत ही अच्छी तरह से। फिर आपका लानक पास, ये आपका लद्दाख में है। और फिर आपका आता है लिपू लेक पास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिपू लेक पास काफी न्यूज में है इस टाइम पे क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर है वो इसी पास के थ्रू जो है लगती है, और ये आपका उत्तराखंड में है। तो लिपू लेक पास जो है आपका उत्तराखंड में, और काफी डिस्प्यूटेड एरिया है ये, और अभी हाल ही में जो है नेपाल ने इसको अपने नक्शे में दिखाया था, ये भी दिक्कत है। फिर आपका है लुंगलाछा पास, तो ये जो है लद्दाख का पार्ट है। फिर आपका है माना पास, ये उत्तराखंड में है। और फिर आपका है मार्शीमिक ला, ये आपका लद्दाख का पार्ट है। फिर आपका है नामा पास, ये उत्तराखंड में है। और आपका नामिका ला, ये लद्दाख में है। इसके बाद जो आपको ध्यान रखना है वो है नाथुला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है नाथुला, नाथुला जो है आपका सिक्किम का पार्ट है, और ये भी जो है इंडिया और चाइना के बीच में जो है एक तरह का डिस्प्यूट क्रिएट करता है, तो नाथुला का नाम आपको ध्यान रखना है। अगला है आपका पलक्कड़ गैप, पलक्कड़ गैप जो है आपका केरला में आता है।
उसके बाद है पेंसिला और रजंगला, ये दोनों आपका जो है लद्दाख में है। फिर आपका रोहतांग पास, रोहतांग पास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। अगला है आपका सासेर पास, तो सासेर पास जो है आपका लद्दाख में है। फिर आपका जो है सेला पास, सेला पास जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आपका है सोना सेना गुट्टाई पास, ये आपका केरला में है। और फिर आपका है शिंगोला, शिंगोला आपका लद्दाख में है। फिर जो आपको ध्यान में रखना है बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है शिपकिला, शिपकिला का नाम आपको याद रखना है और ये हिमाचल प्रदेश में है। फिर आपका है सियाला, सियाला जो है आपका जम्मू कश्मीर का जो सियाचिन ग्लेशियर वाला पार्ट है वहां पे है। उसके बाद है आपका शिमला उत्तराखंड, फिर आपका है स्पानगु गैप लद्दाख, तंगांगला तंगलांगला लद्दाख, उसके बाद है आपका थम रासरी केरला, और फिर है ट्रेल्स पास उत्तराखंड। तो ये आपके लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप इनके नाम जान सकते हैं। तो फाइनली एक पास है जो आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है जोजिला। जोजिला पास जो है आपका जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के बीच में आता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो आज के वीडियो में हमने जो इंडिया के मेजर पासेस हैं उनके बारे में जाना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको कोई भी अगर नई वीडियो आती है तो उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। धन्यवाद।